मैं बीमार हूँ, मैं काम पे जाती हूँ लंगड़ा होके। आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई थी। अभी आपने हमारे पिछले वीडियो में ये चीज देखा होगा कि एक विकलांग थी, क्योंकि विधवा भी थी। हमने उनसे पूछा क्या आपको विधवा पेंशन मिलता है, चाहे विकलांग के लिए कोई भी एलिमनी मिलती है। उन्होंने मना किया। इस वक्त हमारे साथ गांव का प्रधान भी है, हमने प्रधान जी से भी बात की। उन्होंने ये चीज कहा कि वो जो महिला थी ये इनके ज्ञान में नहीं थी, मतलब वो चीज ये नहीं जानते थे। यहाँ पर आपका नाम एक बार और बता दें, किरण। इनका नाम किरण है। इससे पहले आप वो वीडियो देखिए, वो वीडियो क्लिप देखिए जिसमें वो महिला कह रही कि मुझे नहीं मिलता। क्या आपको विधवा पेंशन मिलता है? कुछ भी ना मिलता, कुछ पैसा नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। मैं काम पे जाती हूँ लंगड़ा होके, काम करती हूँ, जब रोटी खाती हूँ। विकलांग है, विकलांग भी है। विकलांग है तो विकलांग के लिए जो पेंशन मिलता है वो मिलता है? कुछ भी ना मिलता है। बताइए ना, विकलांग का ना हम कहते हैं कि हमारा देश विकसित हो रहा है, विकासशील देश। यहाँ के लोगों को उनका हक भी नहीं पता है और उनका हक मिल भी नहीं रहा है। अब जी सर, मैम आपका नाम किरण है? हाँ जी। जी जी सर, आपका नाम? संजय। संजय जी, आपका पोस्ट? जनरल सेक्रेटरी। हाँ, ये जनरल सेक्रेटरी है सर जी। ये कह रही है कि उनका नाम क्या था? माया देवी। इनको किसी प्रकार का पैसा नहीं मिलता है। आपको ये बात पता था? भाई आपको ये बात पता नहीं था? क्या आपने कभी इनको ये बात बताया? नहीं, मैंने इनको जानती नहीं थी, इसलिए मेरे को पता नहीं था। अच्छा जी जी। जैसे कि यहाँ पे काफी लोग हैं, वो ये भी कह रहे थे आप आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई थी जी। तो क्या जब आप जुड़ी हुई थी, अभी है या जुड़ी हुई थी? अभी तो फिलहाल सर मैं बीमार हूँ, बीमार में मैं कहीं नहीं जा सकती। बीमारी में मेरे को कोई आम आदमी पार्टी का देखने तक नहीं आया, यहाँ का प्रधान तक मेरे को देखने नहीं आया कि मैं बीमार हूँ। कौन है यहाँ का प्रधान? वो रहे, वो खड़े। अच्छा जी, यहाँ ये, अच्छा ये आप देखने नहीं आए? देखने नहीं आए तो मैं आम आदमी पार्टी में क्या करूँगी। वो कह रहे की उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ये इन यहाँ पर प्रधान जी भी खड़े हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इन्होंने ये वादा किया है, गांव के जनरल सेक्रेटरी है, इन्होंने ये वादा किया है कि जहाँ तक इनसे बन पड़ेगा ये इनकी हेल्प करेंगे कैमरे पे। प्रधान जी, ये इनका एक आरोप था कि आप इनको देखने तक नहीं आए, ये कह के कहीं ना कहीं रो पड़े। क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, इनकी मम्मी की पेंशन, ये बीमार है, हमें भी पता है बीमार है जी। इनकी मम्मी की पेंशन की बात है, ये आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है, खुद कार्यकर्ता है। दूसरी बात, इनके पास विधायक प्रतिनिधि को खुद में लेके आया था पेंशन के लिए। कोहली जी को आपके पास लाया था नहीं लाया था, मम्मी से पूछना। कोहली जी आए थे, उनसे काम तो कुछ नहीं हुआ। उन पेंशन के लिए कुछ प्रॉब्लम बताई होगी, कमी होती है पेंशन के लिए। पेंशन के लिए मैं खुद लेके आया था, इनसे पूछा जाए कि हाँ लाए थे या नहीं। अंतुल कोहली जी, इनको लेके आए थे सर। वो लोग मतलब आके बोल के चले जाते हैं तो कुछ भी काम नहीं होता। ये देखो, वहाँ पे फर्श डल गया, इधर फर्श डल गया, उधर फर्श डल गया। मेरे आगे, मैं कार्यकर्ता होते हुए भी मेरे घर के आगे फर्श क्यों नहीं डला? इनसे ये पूछो, मेरे आगे क्यों नहीं जी डला? सर सवाल पूछा है जवाब। हाँ जी, ये देखो सामान ये हट जाता है, जब सामान रखा हुआ है तो जभी तो ये सामान हट जाएगा, जभी तो फर्क पड़े। भाई साहब जी, ये सामान तो हट गया था। हाँ। कितना करना था, इतना ही तो इतना ये कर देंगे। अभी भी तो सामान आपके सामने रखा हुआ है, तो अभी कह रहे हैं अभी कर देंगे। मैं कह रहा हूँ अभी भी मटेरियल रखा हुआ है सामने, कोई बंद करके थोड़े गए। ये तो आप, मैं उस टाइम मौजूद था क्या यहाँ पर? बहुत सारे मीटर की समस्या है यहाँ पे। मैं यहाँ पे मौजूद था क्या? यहाँ पे मेरा घर भी तैयार नहीं है, मेरे घर के आगे गंद पड़ा हुआ। नहीं, मैं ये सब किसी को नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरे घर के आगे गंद दिख रहा है। ये देखिए, ये तो गंदगी, देखो ये गंदगी। उस दिन कॉलेज जी ने बोला था ये गंदगी रोड बनेगी तो साफ होएगा, क्यों नहीं हुआ? ऐसा है, ये मैं कार्यकर्ता हूँ। ये जी मैडम, आपकी बात भी सुनी, इनके हमने भी दिया था। ये एनसीडी की गाड़ी है, ये रोड एनसीडी का है, इस पे केस चला हुआ है, केस चला, इस वजह से ये मतलब रोड नहीं बन पा रही है। रोड नहीं बन पा रहा, कचरा की समस्या बताइए। हाँ, कचरा उठना, उठेगा कचरा। अच्छा उठेगा, अब उठेगा ना? ठीक है, अब उठेगा। आप आश्वासन दे रहे हैं? हाँ जी, आप आश्वासन देखिए, आप इतने लोगों के सामने आप कह रहे हैं कि अब इनका काम भी होगा जितना बन पड़े, और कूड़ा भी अब नहीं पड़ेगा जी। सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे, इसके बाद में अपना क्लोजिंग दो। आपको और तो कुछ नहीं कहना मैडम?
सर मैं बीमार हूँ। ये इनके संज्ञान में है कि आप बीमार हैं? हाँ, ऐसा तो है, मेरे को इनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली ना दवाइयों। अब वो कह रहे हैं कि वो आपको हेल्प भी करेंगे, वो जो आपके सामने कूड़ा है उसको भी हटाएंगे, जो आपका वो बनना है ये भी बनाएंगे, और जो आपका विकलांग का है जहाँ तक बन पड़े आश्वासन दी। और कुछ मतलब मेरे को छोड़ के जा चुके हैं, मेरे को उस तरीके से भी हेल्प चाहिए मैं, जो कि बाद में काम कर सकूं अपने लिए। कुछ रोजगार की समस्या है अमन काफी जी, रोजगार की समस्या। हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए कुछ हो सकता है क्या आप लोगों के हाथ में है कुछ, जैसे जैसे इनके इनके पास कुछ पैसे आ जाए, कुछ काम जरिया जरिया कुछ है आपके पास? नहीं जी, हमारे पास नहीं। कोई नौकरी वगैरह मैं कहाँ से बताऊँ? बिल्कुल नहीं, कुछ कुछ इसी तरह कुछ निजी व्यवसाय कुछ आप बता दें इनके लिए। ये हेल्प हो सकती है जैसे बीमार है उसके कागज वगैरह हो, कुछ इनके लिए कुछ हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से बीमारी के लिए, इलाज के लिए कुछ हेल्प मिलती है तो उसकी कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे जैसे रोजगार का बताने, जैसे एमएलए वगैरह सिलाई मशीन वगैरह बांटते हैं, किस प्रकार का अगर आप कुछ एमएलए के पास प्रपोज कीजिए, इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं है। और जहाँ तक बात सर आपने कहा था ऑनलाइन फॉर्म का, तो आप इनका ऑफलाइन फॉर्म भरा है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है बड़े मोबाइल अगर है तो उनको चलाना भी आता होगा जी। बिल्कुल, ये मदद करेंगे आपसे, मेरे नॉलेज में नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इनके नॉलेज में नहीं था, ये इनके नॉलेज में नहीं था, लेकिन अच्छी तरीके से जानते थे इन्हें, लेकिन अब वो मदद करेंगे। तो आप कम से कम सिलाई मशीन का वितरण वगैरह तो कुछ तो कमा पाए, एक बार जरूर उनसे आवेदन आप। इसके साथ ये होता है, ये होता है जब आप पत्रकारों के सवाल को कहीं ना कहीं कड़वा ना समझ के उस पर विचार करके जब जवाब दे तो ये होता है। कहीं ना कहीं सब लोगों ने ये आश्वासन किया दिया कि कचरा हटेगा, ये बनेगा, और इनको जहां तक बन पड़े ये लोग मदद करेंगे जी। मैडम जी, तो इस मीटर की भी प्रॉब्लम है यहां पे, मीटर की प्रॉब्लम सर यहां पे, जब से जुगिया टूटी हुई है तो एक दूसरे से मतलब वो ले रखा है। ये मीटर की क्या समस्या है प्रधान जी, आप मुझे समस्या समझाइए, समस्या क्या है? हां जी, समस्या ये जो लाइन आ रही है, अच्छा इस लाइन के काफी बार हमने कोशिश कर ली जी, इनके सामने साफ कर दिया जी जी, ये जो लाइन जा रही है इसकी वजह से, इसके नीचे घर बने हुए हैं उसकी वजह से मीटर नहीं लग पा रहा जी। वो कहते हैं कि इसके नीचे मीटर लग रहा है, इसका कुछ समाधान है क्या? मेरी नॉलेज में इसका, क्योंकि हमारा इसका समाधान ये है, एमडी से ऐसा पूछा गया है, जब अंदर इनका घर बना हुआ था इन्होंने कनेक्शन क्यों दिया? सबसे पहला कारण ये, झुग्गी तो बाद में टूटी है, पहले कनेक्शन क्यों दिया मेरा पूछना है। एनडीपीएल ये नहीं है कि जो अभी आई 2005 में, उससे पहले डेसू था, मीटर चेंज किया एनडीपीएल ने, तो इनको लाइट क्यों दी एनडीपीएल ने? उसी टाइम कनेक्शन काटते, आज इनकी झुग्गी तोड़ दी किसी का कारणवश, तो इनका कनेक्शन क्यों काटते मैं पूछना चाहता हूँ। और इसकी सहायता बिल्कुल हमारे विधायक महोदय जी को, एमपी साहब को, और जो हमारे यहाँ के मेयर साहब को, उन्होंने करनी चाहिए, लेकिन ना किसी ने कई बार हमने कोशिश करी है कि इन कई बार मेरे पास भी आई है ये बात के, हाँ जी इन घरों में मीटर नहीं है, पर कई बार कोशिश करने के बावजूद भी हमें यही जवाब मिला है कि ये इस लाइन के नीचे आ रहे हैं तो इसलिए वो मीटर, इन्होंने अप्लाई भी करा मीटर के लिए, एनडीपीएल वाले आते हैं और यही कह के इनसे पूछा जाए, यही कह के चले जाते हैं कि लाइन के नीचे है, लाइन से अलग हो तो मीटर लग जाएगा, कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेवार हो? अंतुल भाई जो हमारे यहाँ के विधायक प्रतिनिधि हैं, उन्होंने इस जो मीटर के लिए बहुत कोशिश की एनडीपीएल में, उनका हम हाथ जोड़ के सर धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने कोशिश की, लेकिन कोशिश असफल रही। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अंतुल भाई से और थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा सा और कोशिश कर लें, थोड़ा नहीं पूरी कोशिश करें, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ फैले क्योंकि ये सुप्रीम हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि 30 को 3 रोड पूरा ठीक है, मजबूरी एक बंदा सबको परेशान कर, तो हाई कोर्ट का ये भी ऑर्डर है। अगर आपको पता हो कि अगर ये टूट रही है तो इन्हें पहले कहीं बचाया जाए तब तोड़ा जाए, ये भी ऑर्डर है सर जी। इसके अलावा इसके इसी के साथ मैं इस रिपोर्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे जो खड़े प्रधान जी हैं, इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि ये इनका मदद करेंगे। बस प्रधान जी रिक्वेस्ट इतना है कि बस आश्वासन बस ना रहे, बस काम करेगा। तो इस रिपोर्ट में अभी इतना ही, बाकी के रिपोर्ट के लिए देखते रहिए देशित न्यूज़ और एमसीडी के सारी कवरेज आपको इस चैनल पर मिलेगी।